नमस्कार दोस्तों, विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर MDSU सप्लीमेंट्री जो है वो फी शेड्यूल के बारे में, एग्जाम 2023 के फी शेड्यूल के बारे में। फी शेड्यूल क्या है, कितने आपके पैसे लगेंगे, कब तक आपके पैसे यहाँ पर जो है वो चार्ज, देखिए नॉर्मल पैसे कितने लगेंगे आपके फीस के, साथ में लेट शुल्क के साथ में कितने लगेंगे, साथ में एक्स्ट्रा कब तक आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो, सारी चीज़ें हम बताएंगे। फी शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो फी शेड्यूल के बारे में बात करें तो MDSU सप्लीमेंट्री 2023 की फॉरम की हम बात कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन फॉरम जो है वो स्टार्ट कब होगा, बात करें ऑनलाइन प्रारंभ वो आपके हो चुके हैं 28 अगस्त से, अगस्त से ओके ये प्रारंभ हो चुके हैं। बात करते हैं फीस के बारे में, तो फीस आपकी यहाँ पर जो है वो कितनी क्या लगेगी, तो बात करेंगे बिना लेट शुल्क, बिना लेट शुल्क के कितने लगेगी, लेट शुल्क के साथ कब कितने लगेगी। बात करें बिना लेट शुल्क की कब तक यहाँ पर जो है वो रहने वाली है, तो बिना लेट शुल्क के आपको यहाँ पर जो है वो बिना लेट शुल्क के आपको कितनी फीस जमा करानी है, हम बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर किसकी, यूजी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023। यूजी में कौन कौन आएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, BBA, ये सभी यहाँ पर जो है वो थर्ड ईयर वाले सभी आ जाते हैं। बिना लेट शुल्क के आपको कितना, अगर फीस डेट की बात करें तो डेट यहाँ पर जो है वो कितनी देखने को मिलेगी, डेट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी कब तक फिल कर सकते हो बिना लेट शुल्क के, आप जो है वो कब तक फिल कर सकते हो। अगर बात करें तो यहाँ पर फिल कर सकते हो 4 सितंबर, कब 4 सितंबर तक। फीस कब क्या रहेगी, फीस आपके यहाँ पर रहने वाली है 670 रुपये, कितनी 670 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है 4 सितंबर तक जो है वो आप यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हो, फीस जमा करा सकते हो। 670 रुपये आपकी यहाँ पर सप्लीमेंट्री फ़ीस रहेगी। इसके बाद में अगर बात करें, अगर आप जो है वो विलम्ब शुल्क के साथ में लेट शुल्क, या इसे बोल सकते हैं विलम्ब शुल्क, ओके विलम्ब शुल्क, इस कितना विलम्ब शुल्क 60 रुपये, कितना 60 रुपये, कितना 60 रुपये, 60 रुपये विलम्ब शुल्क, कितना 60 रुपये। तो 60 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में आप जो है वो कब तक आप जमा यहाँ पर कर सकते हो, वो आप कर पाएंगे कब तक, आप यहाँ पर कर पाएंगे 5/9/2023 से 8/9/2023 तक, यानी ये तीन चार दिन आपको मिलेगा। इस तक आप कितना, 670 रुपये ये थे, 60 रुपये ये मिल गए, कितने हो गए 730, कितने हो गए 730, तो फीस कितनी होगी 730, कब तक 5 सितंबर से 8 सितंबर तक, कितनी हो गई 730। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा और भी क्या शुल्क है, तो फीस के बराबर शुल्क, फीस के बराबर शुल्क, तो फीस के बराबर शुल्क के सहित आप जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, तो कब तक फिल करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 8 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक, और कितना फीस कितनी अगर बात करें, तो फीस यहाँ पर जो है वो कितनी लगेगी, फीस आपकी लगेगी 670 प्लस शुल्क लेट शुल्क कितना लगेगा फीस के बराबर, कितना 670 बराबर अगर करें तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा कितना हो गया, हमारा होगा 1340 रुपये, कितना होगा 1340 रुपये हमारी फीस यहाँ पर जो है वो हो जाती है।
तो ये हमारे जो है वो फी शेड्यूल समझ आऊँगा, ये हमारे फी शेड्यूल रहने वाला है। बिना बिल के आप फिल करना चाहते हो तो 4 सितंबर तक, लेट शुल्क के साथ में 730 लगेंगे। कब तक? 8 सितंबर तक, 11 सितंबर तक आपको डबल देने होंगे। 8 से 11 सितंबर अगर फिल करते हो तो 1340 रुपये आप देने होंगे। ये किसकी हुई? हमारी MDSU यूनिवर्सिटी की बात हुई, सप्लीमेंट्री के फॉरम यहाँ पर जो चल रहे हैं उसके बारे में बात हुई, और फॉरम फिल करने से रिगार्डिंग मैंने वीडियो दे दिया है। वीडियो की सहायता से आप फॉरम फिल कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, क्लियर जो करना हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर बंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।